घुसपैठ के दूसरे को घुसपुटिया घुसपैठिया कहेगा, कहते हैं नक्टा नाक वाले को हंस रहा है कि देखो नक्कू आ गया नक्कू आ गया। जिनकी नाक नहीं होती ना, जिनकी हंडियों में 72 छेद होते हैं, वही दूसरे पे हंसते हैं। तो मुसलमानों को ऐसे मत बोलिए, जबान हमारे पास भी है। बात वो करें जब आप एक ही बहन भाई होते हैं। 6 तो बहन भाई आपके थे, 6 आपके दादा के थे, आपके जितने भाई है कोई 7 बहन भाई, कोई 8 बहन भाई, और आप जनता को बेवकूफ बना रहे कि मुसलमान बच्चा पैदा करने की मशीन है। साल में आपने क्या करा, घुइयां छीन लेते 10 साल में। आपके पास पावर थी, आपके पास समाज था, आपके पास पुलिस थी, आपके पास जुडिशरी थी, तो इन 10 सालों में क्या आप घुइयां छीन लेते? 10 साल में आपको याद नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है? इलेक्शन से 2 महीने पहले आपका बोतल का जिन वापस बाहर आता है और आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। किसी के बाप की हिम्मत ही हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आपका डंका बजा, सब लोगों को खुश होना चाहिए। अगर वाकई मोदी जी का डंका बज रहा होता तो आज आप लोग यहाँ पर खड़े होकर अहमद रिजवी से सवाल न कर रहे होते, अपना वक्त बर्बाद न कर रहे होते। आप वाकई डंका पति के पास जाकर उस डंके को और दुगनी स्पीड में डंका बजा रहे होते। यानी डंका फटा हुआ डोल है जो फटे जा रहा है, फटे जा रहा है और बजे जा रहा है, झोझा गाना बाजे गाना, जो कहते हैं जिस चने में ताकत नहीं होती, जिसमें कंकर होते उसको हिलाओ ज्यादा बजता है। इनमें कोई ताकत नहीं, सिर्फ जुमला फेंक है, जुमलों से इनकी राजनीति चलती है। और मोदी जी एक झूठ का जनरेटर है, इनको अपनी गरिमा का लिहाज, इनको यही नहीं पता कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। चुनाव से पहले तमाम लोग तमाम पार्टियां ज्वाइन करते हैं, तो जब चुनाव खत्म हो जाएगा तो फिर पार्टी छोड़ कर अभी देखो मेरा ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रहा कि मैंने से पहले कोई पार्टी ज्वाइन करी है। हालांकि मेरा संघर्ष 6 साल पुराना हो चुका है और 6 साल से मेरे ख्याल से सोशल मीडिया हो या चाहे ज़मीनी स्तर पे बहुत ऊंची ऊपर वाले ने और आप लोगों ने मुझे पहचान दिलवाई। और चुनाव से पहले आपको इसलिए नज़र आ रहा है कि मैंने ज्वाइन करी क्योंकि दिल्ली में इलेक्शन है और मैं चाहती हूँ कि चंद्रशेखर साहब को यहाँ पर मजबूत करा जाए, इनके कैंडिडेट को मजबूत करा जाए। और जिस तरह वो संघर्ष कर रहे हैं और लगातार उनकी जो भीम आर्मी ने संघर्ष करा उसी की जो ये पार्टी बनी है ASP, अगर इसको मजबूत करना तो हम जैसे लोग जो पहचान रखते हैं अपने समाज में, पहचान रखते हैं, तो अगर हम लोग आगे आगे इस पार्टी को मजबूत करेंगे तो शायद हमारे पीछे और लोग भी चल कर आएंगे। मतलब जब पार्टी ज्वाइन करी तो इलेक्शन के टाइम पे ही बिल्कुल, तो क्या लोकसभा उम्मीदवारी की तैयारी है? देखिए लोकसभा उम्मीदवारी अगर हम लड़ना चाहें तो उसमें कोई गुनाह कबीरा तो नहीं है, कि गुनाह तो नहीं है कि हम कोई गुनाह करने जा रहे हैं। एज ए भारतीय और एक नागरिक के तौर पर ये मेरा अधिकार है कि मैं इलेक्शन फाइट करूं। लेकिन हाँ, मैंने पार्टी इसलिए ज्वाइन करी कि मैंने जैसे बोला कि मैं मजबूत करना चाहती हूं। लेकिन हो सकता है कि इन फ्यूचर हम भी इलेक्शन लड़ें, चाहे वो 24 हो चाहे उसके बाद का हो। लेकिन अभी तो हमारा ये कि चंद्रशेखर साहब के साथ हमारा बहुत कई सारे मूवमेंट हम साथ रहे हैं, बहुत सारे मूवमेंट हमने साथ हैंडल करे और वो भी आंदोलनकारी हैं, मैं भी आंदोलनकारी हूँ। जिस तरह NRC में चंद्रशेखर हमारे साथ थे, जिस तरह आपने जामा मस्जिद पे देखा, तमाम जगह आपने देखा कि बहुत सारी जगह तो हमारी स्पीचेज जो थी क्लैश होती थी, चंद्रशेखर साहब के साथ मेरी होती थी या बाद में होती थी। तो जिस लिहाज से वो एक आंदोलनकारी है, मैं अपने समाज की एक आंदोलनकारी कि अगर दो लोग एक साथ हो जाएं और दो समाज एक साथ हो जाएं, और मैं तो पहले ही कह रही हूं कि अगर सिर्फ भारत की अगर आपको सत्ता परिवर्तन करना है और इनको इनकी कुर्सी को इनके सिंहासन को हिलाना है और मनुस्मृति को आपको रोकना है और ख़त्म करना है, मनुवाद का आपको सफाया करना है, तो सिर्फ आपने एक ही काम करना है, भीम और मीम को एक साथ करना है। यानी मुसलमान और दलितों का कॉम्बिनेशन अगर आप कर देते हैं तो हम सालों साल यहाँ पर राज करेंगे और यहाँ पे एक कामयाब दलित प्रधानमंत्री जो है वो बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़कर काम करेगा और वो तमाम क्वालिटी जो है वो चंद्रशेखर के अंदर मौजूद हैं। क्या आपको लगता है दलितों और मुसलमानों को जोड़कर खाली भारत पर राज किया जा सकता है? बिल्कुल करा जा सकता है। सबसे ज़्यादा इन्हीं की संख्या, सबसे ज़्यादा मजलूम ये, सबसे ज़्यादा वफादार यही तो सब ज्यादा सताए जाते हैं, सब ज्यादा मॉब लिंचिंग या तो मुसलमान की हो रही है, दलित की हो रही है। आप कितनी जगह देखिए कि चंद्रशेखर साहब पहुंचते हैं, भीम आर्मी पहुंचे, कितनी जगह मैं खुद जाकर पहुंचती हूं, तो ज्यादातर यही होता है, उस दलित को मार दिया, उस मुसलमान की मॉब लिंचिंग कर दी, कभी गाय के नाम पर कर दी। तो ये पार्टियां तो सारी की वो ये तीर त्रिशूल तलवार गाय गोबर मंदिर मस्जिद पर तो फाइट कर रही है, लेकिन ये जो आजाद समाज पार्टी है और भीम आर्मी, इन लोगों की जो आइडियोलॉजी है उनकी ये कि सबको शिक्षित करा जाए, एक एजुकेशन पर जोर दिया जाए, ये जातिवाद को खत्म करा जाए और एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस लाया जाए कि हाँ हमें एहसास दिलाया जाए कि हम यहाँ पर दूसरी श्रेणी के नागरिक नहीं है, हमारा जो संविधान है वो हमारा संविधान है, वो इन लोगों का संविधान है, वो भीमराव अंबेडकर हमारे थे, हमारे ही अपने लोगों ने संविधान लिख के दिया और आज हमारी जो स्थिति बना दी गई वो हमें बिल्कुल हैंडीकैप बना दिया। जब पार्टी में किसी भी इलेक्शन होते तो पार्टी को याद आता कि दलित को साथ लेके चल लो, इसको हिंदू बता दो, ये दलित नहीं हिंदू है, मुसलमान को साथ लेके चल लो, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। 5 साल तक लगातार आपको उन लोगों के साथ काम करना चाहिए, चाहे वो विकास पे काम हो, चाहे एजुकेशन पे काम हो, चाहे सुरक्षा पे काम हो, तो उन तमाम चीज़ों का जो एक मिला जुला संगम है वो ASP में नज़र आता है। मैम आप यहाँ पे बात कर रही हैं संविधान की, लेकिन एक मिथ है लोग कि लोग क्या सोचते हैं कि अल्पसंख्यक समाज जो है वो संविधान को नहीं मानता,
मुसलमान नहीं तो आपसे किसने कहा कि अल्पसंख्यक जो है मुसलमान नहीं मानता? जितने भी अल्पसंख्यक नेता चुनकर आते हैं क्या वो संविधान की कसम नहीं लेते, कुरान की कसम लेके, शरिया की कसम लेकर आते हैं? ये तो एक ये कहिए कि डिवाइडेशन जो ये अंग्रेज़ों की ही औलाद हैं। अगर आप देखें जो ये मिथ सर्कुलेट कर रहे हैं व्हाट्सअप एजेंडा वाले, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वाले, ये सारे के सारे अंग्रेज़ों की ही औलाद हैं और ये जनता को बांटने के लिए, तोड़ने के लिए उल्टे सीधे स्टेटमेंट व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी पर फॉरवर्ड करते रहते हैं और लोग बिना सोचे समझे 20-25 ग्रुप में फॉरवर्ड करते, हल्ला मुसलमान को ऐसे बोला, दलित को ऐसे बोला, तो ऐसा नहीं है। या तो आप मुझे एक सबूत दे दीजिए कि कोई भी मुसलमान पार्षद बना हो, कोई भी मुसलमान विधायक बना हो, एमपी बना हो, उसने कुरान को हाजिर नाजिर जान के कसम ली हो। संविधान की कसमों में आता है जब आप कोई भी इलेक्शन लड़ रहे होते तो आप संविधानिक तरीके से तो आप अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं या कुरान की रोशनी में जाके करते हैं। तो उस चीज़ के लिए जब कोई इल्ज़ाम लगाते हैं तो पहले उसका पहले प्रूफ होना चाहिए, हमें प्रूफ दीजिए। अगर आप हमें प्रूफ देते मैं हिंदुस्तान छोड़ के जाने को तैयार हूँ। अच्छा, मेरा दूसरा सवाल ये है, अभी आपने रिसेंटली सुना होगा मोदी जी ने मुसलमानों को घुसपैठिए कहा था, जिसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया ने भी बड़ी निंदा की है, आप इस सबको कैसे देखते हैं? देखिए, घुसपैठ के दूसरे घुसपैठिए कहेगा, कहते हैं नक्टा नाक वाले को हंस रहा है कि देखो नक्कू आ गया, नक्कू आ गया। जिनकी नाक नहीं होती ना, जिनकी हंडिया में 72 छेद होते हैं, वही दूसरे पे हंसते हैं। तो जो खुद मंगलसूत्र की हिफाजत नहीं करते, मोदी जी को तो पहले कोई जाकर बताया कि मंगलसूत्र का मतलब धागा नहीं होता। अगर आप ये कह रहे हैं कि मंगलसूत्र का मतलब धागा होता तो बेचारे पंडित जो बेवकूफ बनते हैं और इतनी पढ़ाई करने के बाद वो सातों मंत्र पढ़ पढ़ के साथ फेरे लगवाते हैं, तब कहते हैं कि जन्म जन्म का साथ। एक तरफ तो आप कहते हैं कि हिंदू रीति रिवाज में जन्म जन्म की बीवी होती, सात जन्म की बीवी होती, दूसरा कहते हैं मुसलमान लेके भागे, बोला मुसलमान तुम्हारी बीवी लेके भाग जाएगा? मंगलसूत्र का मतलब बीवी होता है, मंगल माने मुकद्दस, सूत्र माने एक रिलेशन, एक तरह का जुड़ाव। तो आप मुसलमान कैसे आपकी बीवी लेकर भाग जाएगा? फिर यानी पंडित ने गलत पढ़ाई करी, यानी फिर हिंदू शास्त्र गलत कह रहे हैं कि आपका जन्म जन्मों का साथ है। तो इस तरह मोदी जी कहकर हिंदू धर्म पर सवालिया निशान खड़ा करके हिंदू धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं। लेकिन बीजेपी लगातार कहती रहती है कि हम जीतेंगे तो हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, इस पर आप क्या कहती हैं? देखिए, हिंदू राष्ट्र बन 10 साल में आपने क्या करा, घुइयां छीन लेते 10 साल में। आपके पास पावर थी, आपके पास समाज था, आपके पास पुलिस थी, आपके पास जुडिशरी थी, तो इन 10 सालों में क्या आप घुइयां छीन लेते? 10 साल में आपको याद नहीं है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है? इलेक्शन से 2 महीने पहले आपका बोतल का जिन वापस बाहर आता है और आप कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आपने बनाना होता 14 में 16 में 17 में 18 में 19 में 20 में 21 में 22 में 23 में बना देते, आपको 24 में याद आया कि आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? किसी के बाप की हिम्मत ही हिंदू राष्ट्र बना दें? ट्रेलर तो मोदी जी की बात का और गधे की लात का यकीन मत करिए। आप ही वो लोग हैं, जब आपने भी सुना होगा कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, आप लोगों के अकाउंट में आए? ये मोदी जी थे जिन्होंने झूठ के जनरेटर ने धुआं फेंका और कहा कि 2 करोड़ लोगों को जॉब दूंगा। किसको जॉब मिली? लाखों लाख जॉब खा गए। आज देखिए, मोदी जी ने कहा था किसान की आय दुगनी कर दूंगा, रोज हजारों किसान खुदकुशी करके मरता। पिछले साल आपने देखा किस तरह पूरे हिंदुस्तान का किसान कैसे बॉर्डर पर बैठ रहा था, जैसे मानो पाकिस्तान के बॉर्डर पर गया इंसाफ मांगने। नहीं, मोदी जी कह रहे हैं ना, आप रिटर्न में दिखाई ना कहाँ, अगर कर्ज माफी दी होती तो किसान बार बार ना आता, किसान तो अभी भी आया था। इन्होंने सिर्फ बेवकूफ़ बनाया, ना आय दुगनी करी, ना अब युवा परेशान, महिला परेशान, फौजी परेशान, बच्चा परेशान, शिक्षा महंगी कर दी, जवान सब, बुढ़े जवान सभी परेशान हैं। जब आपका डंका बजा सब लोगों को खुश होना चाहिए। अगर वाकई मोदी जी का डंका बज रहा होता तो आज आप लोग यहाँ पर खड़े होकर अमन रिजवी सवाल ना कर रहे होते, अपना वक्त बर्बाद ना कर रहे होते, आप वाकई डंका पद के पास जाकर उस डंके को और दुगनी स्पीड में डंका बजा रहे होते। यानी डंका फटा हुआ डोल है जो फटे जा रहा है और बजे जा रहा है, झोझा चना बाजे गना, जो कहते हैं जो जिस चने में ताकत नहीं होती, जिसमें कंकर उठते उसको हिलाओ ज्यादा बजता है। तो ये झोझा चना है, बाजे गना, इनमें कोई ताकत नहीं, सिर्फ जुमला फेंक है, जुमलों से इनकी राजनीति चलती है। और मोदी जी एक झूठ का जनरेटर है, इनको अपनी गरिमा का लिहाज, इनको यही नहीं पता कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। और आप मोदी जी एक कम्युनिटी के प्रधानमंत्री नहीं, क्या आप पंडितों के प्रधानमंत्री हैं, राम जी के प्रधानमंत्री हैं? आप भारत के हर जनता की, हर कम्युनिटी के प्रधानमंत्री, आप मेरे प्रधानमंत्री हैं, आप दलितों के प्रधानमंत्री हैं, आप उनके भी प्रधानमंत्री हैं जो लगातार, आप देखिए मणिपुर में जाने गंवा रहे हैं जो ईसाई हैं वहाँ पर, आप तमाम लोगों के, आप उनके भी प्रधानमंत्री थे जिनको आपने कहा था आप हमारी बेटी हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट थी, जो कितना चीखती चिल्लाती रही और किस तरह सर्दी में गर्मी में आप देखिए लगातार जंतर मंतर पर पड़ी रही, और जब वो मेडल लेकर आई थी तो आपने उनको चाय पर बुलाकर अपनी बेटी बनाया था, और जब आप ही के नेता ने उनका लगातार यौन उत्पीड़न का, तो मोदी जी ने एकदम लोहे का चश्मा लगाकर कहा हमारी पास की नजर कमजोर है, हमें नहीं पता आप कौन हो, हम तो चाइना में जानते हैं, हम तो ईरान में जानते हैं, हम तो पाकिस्तान में, हम अमेरिका में देखेंगे, लेकिन हम अपने इलाके में अपनी बेटियों को 2.5 किलोमीटर दूर नहीं देखेंगे। एक सवाल यहाँ पे ये भी
होता है कि बीजेपी के लगातार ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं, जैसे अभी मोदी जी ने घुसपैठी वाला कहा संशोधन जो संविधान में करने की बात कही है कि 400 पार होंगे तो संविधान देखिए। तो मुसलमानों को ऐसे मत बोलिए, जबान हमारे पास भी है लेकिन हम लिहाज करते हैं क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। हम इतनी ओछी और इतनी लुच्ची और इतनी टुच्ची लैंग्वेज नहीं बोल सकते। जवाब हमें भी देना आता है और संविधानिक तरीके से देना आता है। बात वो करें जब आप एक ही बहन भाई होते, छह तो बहन भाई आपके थे, छह आपके दादा के थे, आपके जितने भाई है कोई सात बहन भाई कोई आठ बहन भाई, और आप जनता को बेवकूफ़ बना रहे कि मुसलमान बच्चा पैदा करने की मशीन है। संविधान में संशोधन वाली बात को आप कैसे देखते हैं? देखिए संविधान में संशोधन नहीं हो सकता, संविधान में थोड़ा बहुत घुमाव पूरा कर देते हैं ये लोग, उल्टे सीधे बिल पास कर लेते हैं, संविधान में संशोधन नहीं कर सकते। हाँ 400 का अगर इनका नारा देने 400 पार है संविधान खत्म कर देंगे ये सिर्फ कह कह रहे, लेकिन अभी ऐसा किसी माँ ने दूध ही नहीं पिलाया अपने लाल को जो भारत का संविधान खत्म कर दे।